दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर से आपका SPL स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने इस चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें पांच टाइप के एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उन सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना कितना होता है, उनकी वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, इस 45 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम ज्योमेट्रिकली फाइंड करेंगे या प्रूफ करेंगे। जैसे इसमें एक राइट ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल है और इन दोनों साइड दोनों एंगल को हम 45 डिग्री मान लेते हैं। तो ये हम जानते हैं कि किसी एंगल की ओपोजिट साइड, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी ओपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो इसमें ए बी और बी सी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर इस साइड की लेंथ को हम ए मान लें और बी सी भी ए हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो हम ए सी को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए बी की वैल्यू ए ए स्क्वायर और बी सी की भी वैल्यू ए है, तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2a² और इसे हम लिख सकते हैं ए रूट 2। तो हमारी जो थर्ड साइड है हाइपोटेन्यूस ए सी, इसकी लेंथ आ गई ए रूट 2। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन 45 डिग्री, साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अगर हम ए एंगल को मानते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, ए को हम 45 डिग्री मान के चलते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेन्यूस ए सी, तो बी सी बाई ए सी लिख सकते हैं और बी सी की वैल्यू ए ए सी की वैल्यू ए रूट 2, तो ए ए कैंसिल होने पर 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह से कोस 45, कोस इजकल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी इजकल टू ए और ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू ए और ए सी की वैल्यू ए रूट 2, यहाँ भी ए कैंसिल और 1/√2। टेन 45, टेन परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी की वैल्यू ए, ए बी की वैल्यू ए, दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। अब ये हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 45 इजकल टू 1/sin 45, और इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो कोस 45 इजकल टू आएगा 2 cosec 45, cos का reciprocal sec 45, यानी sec 45 is equal to 1/cos 45, cos 45 की वैल्यू ये आई। अगर इसका हम reciprocal लेते हैं तो root 2, tan 45 cot का reciprocal tan होता है, तो 1/10 और 1/1 की वैल्यू 1। तो इस तरह से हम 45 की सभी वैल्यू फाइंड कर लिए। आगे देखते हैं दूसरे टाइप के 45 डिग्री। अगला रेशियो हम 30 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं। यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, सी डी, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री
ये दोनों 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये ए सी डी एंगल को हम 30 डिग्री कह सकते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखें, ये एंगल 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये साइड कॉमन, तो ए ए एस प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं और सी पी सी टी से ए डी और डी बी को इक्वल कह देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन सी डी हमने ड्रॉ किया, ये बी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स डी मिड पॉइंट हो रहा है, ए डी और डी बी आपस में इक्वल हो रहे हैं। अगर हम ए डी को ए लेंथ मान लेते हैं तो डी बी भी ए होगा और यह पूरी साइड हो गई 2a। तो बाकी जो ए सी साइड, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी साइड 2a कहलाएगी। इसमें हम सी डी को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। ये एक राइट ट्राइंगल हुआ, राइट ट्राइंगल का ये मान लेते हैं, पर सी डी इस हाइपोटेनस 2a के स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। इसका स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट इजकल टू 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट और a स्क्वायर को a और ये रूट 3। तो ये जो सी डी की लेंथ आई, ये आई a रूट 3। अब तीनों साइड हमें फाइंड हो गए। अब हम इसकी हेल्प से 30 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो सी एंगल पर एंगल ए सी डी हमारा 30 डिग्री है, तो पहले साइन 30 की वैल्यू, साइन का रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए डी होगा, ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी। ए डी का, ए डी की लेंथ आई है ए और ए सी की 2a, तो a बाई 2a, ए ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इसकी वैल्यू आई। इसी तरह से cos 30, cos इस 30 डिग्री के लिए बेस cd हुआ, तो cd बाई ए सी, सी डी ए रूट 3, ए सी 2a, ए ए कैंसिल हुआ, तो रूट 3/2। tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए डी बाई सी डी, ए डी बाई सी डी। ए की वैल्यू, ए डी की वैल्यू ए और सी डी की वैल्यू ए रूट 3, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आई। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/√2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया। कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक 30 इज इक्वल टू इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3। टेन का कोट 30 इज इक्वल टू रूट 3। तो इस तरह से हम tan 30 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी ट्राइंगल में 60 डिग्री भी है, तो इस 60 डिग्री से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। 60 डिग्री का रेशियो फाइंड करेंगे तो इस एंगल के लिए ये AD हमारा बेस हो जाएगा और CD परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD बाई ए सी, सी डी की वैल्यू ए रूट 3 बाई 2a, ए ए कैंसिल हो गया, रूट 3/2। cos 60 बेस ए डी बाई, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो ए डी बाई ए सी, ए डी की वैल्यू a और ए सी की वैल्यू 2a कैंसिल होकर 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर सी डी, बेस ए डी, ए डी की वैल्यू है, सी डी की वैल्यू है ए रूट 3 और ए डी की वैल्यू a, a कैंसिल हो गया, रूट 3 आ गया। अब इसी के रेसिप्रोकल से हम बाकी रेशियो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक,
तो कोसेक 60 इक्वल टू इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेंगे 2 बाई रूट 3 कोस का सेक, तो सेक 60 इक्वल टू 2 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 एंड टैन 60 का रेसिप्रोकल कोट 60 इक्वल टू 1 बाई रूट 3। आइए 0 डिग्री एंगल के बारे में रेशियो फाइंड करते हैं। 0 डिग्री के बारे में एक बार एंगल को विचार कर लेते हैं किस तरह का एंगल होगा। जैसे ये एक राइट ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी 90 डिग्री है और ये एक एंगल है। इस ए एंगल को हम 0 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। सी इस एंगल को छोटा करते जाएंगे तो सी नीचे आता जाएगा बी के समीप। जैसे देखिए यहाँ आ गया तो इस पहले वाले एंगल की तुलना में ये एंगल और छोटा हो गया। अब जब सी और नीचे आया तो ये एंगल की वैल्यू और कम हो गई। तो जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू को कम करते जाते हैं ए सी ए बी के नज़दीक आता जाता है, यानी बी सी की लेंथ कम होती जाती है। और जब ए बी पर ए सी पूरी तरह से आ जाता है तो यहाँ एंगल जीरो हो गया और ए बी और ए सी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए। यानी कि यहाँ जो बी सी की जो लेंथ थी ये बी सी इज इक्वल टू हो गया जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर। और ए बी और ए सी ये आपस में इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम जीरो के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। जैसे साइन जीरो इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा था बी सी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस बी सी बाई ए सी। और बी सी की लेंथ वहां देखिए जीरो हो गया, तो बी सी इक्वल टू जीरो और ए सी की कुछ भी लेंथ हो तो जीरो में हम किसी को डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है। कोस जीरो इक्वल टू कोस बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस है ए बी बाई ए सी, ए बी और ए सी, ए बी इज इक्वल टू यहां ए सी हुआ है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है कोइंसाइड होने पर, तो ए बी इज बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल होकर, और टेन जीरो इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस ए बी, तो परपेंडिकुलर बी सी की जीरो वैल्यू हो गई और ए बी की कुछ भी वैल्यू हो तो जीरो में डिवाइड करते हैं तो जीरो आ जाएगा। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल से हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का कोसेक जीरो, कोसेक जीरो इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी से लिखा जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक जीरो इक्वल टू 1/1, इट मीन्स 1, टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोट जीरो इक्वल टू 1/0, मीन्स ये भी नॉट डिफाइंड होगा, जीरो वैल्यू। इसके बाद 90 डिग्री की वैल्यू को हम देखते हैं। 90 डिग्री के लिए भी पहले 90 डिग्री का किस तरह एंगल बनेगा वो देख लेते हैं। जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी एंगल पे 90 डिग्री है। अब इस एंगल ए को हम एक्यूट एंगल जो ए है इसे हम 90 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे बी के नज़दीक लाते हैं, इस तरह से लाते हैं, तो पहले की तुलना में इस एंगल की वैल्यू बढ़ गई। और नज़दीक लाते हैं तो ये एंगल और बड़ा होता चला गया। लेकिन साथ ही साथ क्या क्या चेंजिंग आ रहा है कि ये जो एंगल सी था इस एंगल की वैल्यू कम होती जा रही है और ए बी की जो लेंथ है ये कम होती जा रही है। और जब ए पॉइंट बी के ऊपर पूरी तरह से आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि बी सी और ए बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये एक दूसरे के कोइंसाइड हो गए। यहाँ इस स्थिति में ये जो ए बी की लेंथ थी ये ए बी इक्वल टू हो गया जीरो और बी सी और ए सी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो गए, लगभग इक्वल, बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं 90 डिग्री के लिए। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी बी सी बाई ए सी, बी सी और ए सी आपस में बराबर हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1।
cos 90 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस AB बाय AC AB चूंकि देखिए जीरो हो चुका है तो जीरो बाय AC इक्वल टू जीरो, tan 90 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB, BC AB इक्वल टू जीरो हो चुका है तो BC बाय जीरो यानी कि ये इन्फिनिट, जीरो को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो नोट डिफाइंड आ जाता है। इनका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 बाय 1 मींस 1, कोस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 बाय 0, 1 बाय 0 इट मींस इन्फिनिट, और कोट 90 डिग्री इक्वल टू 1 बाय इन्फिनिट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स जो दिए हुए हैं उनकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 8.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।